ड्रग्स एब्यूज पर आधारित नई हिंदी फीचर फिल्म अ सीप ऑफ लाइफ डार्लिंग का प्रोमो आज पंचकुला में रिलीज किया गया। फिल्म को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़, पंजाब और रामगढ़ पालमपुर में भी की गई है। फिल्म में ड्रग एब्यूज की समस्या से जूझ रहे तीन परिवारों को केंद्रित करके दिखाया गया है कि किस तरह से युवा ड्रग्स माफिया की चपेट में आ जाते हैं। अ सीप ऑफ लाइफ डार्लिंग में ड्रग्स माफिया की कार्यशैली भी दर्शाई गई है और बताया गया है कि माफिया की जड़ें कहां तक फैली होती हैं। फिल्म के निर्देशक सुखविंदर शर्मा ने कहा कि ड्रग की लत से न केवल युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है बल्कि पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आए हुए सारे मीडिया साथियों को धन्यवाद करूंगा जिसने ये फिल्म ड्रग्स के ऊपर तैयार की है। ये पूरी की पूरी फिल्म ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है जिसमें चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के कलाकार और उसके साथ साथ है बॉम्बे फिल्म नगरी के कलाकार, 7-8 लोग जो है आर्टिस्ट लाइक हिमांशी पुरी, मुश्ताक खान, राजेश पुरी, संजय मिश्रा और इसके साथ साथ 7-8 आर्टिस्ट जो है वो इस फिल्म में बॉम्बे से हैं और बाकी जो है लीड किया है हमारे चंडीगढ़ के बैंकर ने।